देखिए अब सभी पार्टियां मिलके हमने एक स्टैंड लिया है कि ये जो LIC के पैसे उनका जो बर्बादी हुई है और SBI बैंक से भी लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है शायद, ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो सभी ने पैसा इस अदानी एंटरप्राइज में लगाया है। तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे, हमारा टारगेट ये है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहां पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें हैं, SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं, तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जिस जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या RBI ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी, जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है क्या करना है वो करें। बार बार उनकी बातें क्यों करते हैं, मोदी जी क्या बोल रहे वो बोल देखिए ये बात इतनी है, सदन हमको चलाना है हम चलाएंगे, लेकिन जो न्याय मिलना है न्याय के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। कल सभी पार्टियों का यही राय है, फिर कल हम 10 बजे मिल रहे हैं, मिल के फिर डिसाइड करके इस मुद्दे को उठाएंगे।